शाश्वत है और हम 2013 पुलिस भर्ती के अभ्यर्थी हैं। सर, हम लोग के साथ के जो अभ्यर्थी थे उनकी ज्वाइनिंग 2015 में करा दी गई थी, उसके पश्चात हम लोग की ज्वाइनिंग नहीं कराई गई थी, कुछ सीटें रिक्त रह गई थी। उसके एवज में हम लोगों ने कोर्ट में अटेम्प्ट किया तो सर हम लोगों को कोर्ट से आदेश मिला कि इन लोगों की नियुक्ति जल्द से जल्द कराई जाए, उनको ज्वाइनिंग दी जाए। लेकिन सर, कोर्ट के आदेश आने के बावजूद हम लोगों को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। हम लोग 3 साल से लगातार इधर से उधर उधर से उधर भटक रहे हैं, लेकिन ना सरकार हमारी सुन रही है और ना ही भर्ती बोर्ड हमारी सुन रहा है। सर, हम लोग पूरी तरह से पीड़ित हैं, शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। सर, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे हमारे फ्यूचर के लिए हम क्या करें। तो सर, हम लोग जी सर भर्ती थी हमारी 41,610 की, जिसमें 38,000 कुछ पद भर लिए गए थे, बाकी पद रिक्त रह गए थे। लेकिन कोर्ट में हम लोगों ने जब रिट अपनी फाइल की तो उसमें निकल के आया कि यहाँ पे आरक्षण जो लगाया गया था वो भी गलत तरीके से लगाया था, जिसकी वजह से हम लोगों को कुछ अधिक वैकेंसीज मिली और भर्ती बोर्ड ने कहा भी कि हम देंगे। और उसके पश्चात हमारा मेडिकल भी कराया गया 8600 बच्चों का, नए बच्चों का, जबकि 3000 बच्चे पुराने मेडिकल पास घर पर बैठे हुए थे। 8600 बच्चों का पुनः मेडिकल कराया गया, किंतु उसके पश्चात भर्ती को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और उसके बाद कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है, जबकि उसके पश्चात 2018 की वैकेंसी और 2015 की वैकेंसी जो आई थी उनको कंप्लीट कर लिया गया। सर, तो हम लोग बहुत ज़्यादा सर त्रस्त हो चुके हैं और हम लोग पास जी सर आज हम लोग DM सर के पास आए थे अपना आवेदन देने, ज्ञापन देने कि हमारी भर्ती से जो भी रिक्तियां रह गई हैं उनको जल्दी से जल्दी अपॉइंट कराने के लिए आप सरकार से मैसेज करें, पुटअप करें इस क्वेश्चन को सरकार के समक्ष। लेकिन वहां से भी हम लोगों को कोई अच्छी बात नहीं निकल के आई, वहां से भी हम लोगों को निराशा ही हाथ लगी। सर, किसी ने हम लोगों से सीधे मुँह बात नहीं की और हम लोग को उल्टे पाँव भगा दिया गया। सर, जी सर, हम लोग गोरखपुर गए थे योगी जी से मिलने, वहाँ पे हम लोगों की मुलाकात तो नहीं हो पाई, किंतु जब वह सभा को संबोधित कर रहे थे तो हम लोगों ने BJP जिंदाबाद के नारे लगाए ताकि हम उनका ध्यान आकर्षित कर सकें अपनी तरफ, किंतु उस बात को भी उनको पता नहीं क्या बुरा लग गया, उन्होंने हमारे 8 युवा साथियों को अरेस्ट करवा दिया, जो एक रात जेल में रहे और 3 लड़कियाँ भी उनके साथ में थी उनको भी मुँह चालका पे छोड़ा गया, जबकि 8 लड़के रात भर जेल के अंदर रहे, उनके दूसरे दिन उनकी जमानत हुई तब वो पुनः सर छूट पाए। सर, हम लोग के साथ बहुत अन्याय किया जा रहा है। सर जी, सर हम लोग इच्छा मृत्यु का ज्ञापन लेके DM सर के ऑफिस में गए, वहाँ पे DM सर तो मिले नहीं, SDM सर से हमारी मुलाकात कराने के लिए कहा गया और जब वहाँ पे हम अपना ज्ञापन लेके पहुँचते हैं तो उन्होंने हमसे स्पष्ट तौर पे कहा कि तुम इस भर्ती के भरोसे क्यों बैठे हो, दूसरी तैयारी क्यों नहीं कर सकते। तो सर, हमारी भी कई जिम्मेदारियाँ हैं, हम लोग गरीब घर से बिलोंग करते हैं, इतना पैसा नहीं है कि हम लोग कंटिन्यू तैयारी कर सकें। सर ने अपनी बात रखी तो वो हंसने लगे और सर कोई उचित रिप्लाई नहीं दिया, जिससे हम लोग को बहुत निराशा हाथ लगी। सर, अगर सर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम लोगों ने अल्टीमेटम ऑलरेडी दे रखा है सरकार को। हम केवल कानपुर में नहीं, हमारे साथी लगभग हर एक UP के हर एक जिले से बिलोंग करता है और हर एक जिले के हर एक DM को हम लोगों ने ज्ञापन दे रखा है और ये पुनः अल्टीमेटम ज्ञापन दिया जा रहा है ताकि अगर हम लोग कोई भी कदम उठाते हैं जो हिंसा या अहिंसा को प्रेरित करता है, मैं ये नहीं कहूँगा मैं किसी को हानि पहुँचाऊँगा, हम दूसरे को हानि नहीं पहुँचाएँगे, क्योंकि दूसरों ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, खुद हमारा भविष्य भर्ती बोर्ड ने बर्बाद किया है, सरकार प्रशासन ने खराब किया है, तो हम वहाँ पे आत्मदाह करेंगे, सुसाइड करेंगे और उसका जिम्मेदार भर्ती बोर्ड और प्रशासन होगा और हमारी सरकार होगी। जी सर, थैंक यू सर। बहुत अच्छा मंच मिलता है शहर को दिखाने के लिए। ये 2013 पुलिस भर्ती का अभ्यर्थी है जिनके साथ भर्ती में कुछ गड़बड़ियाँ हुई और इनकी भर्ती नहीं हो सकी, क्योंकि ये सारे वो बच्चे हैं जिन्होंने प्री भी पास किया है, मेन भी पास किया है और मेडिकल भी पास किया है और इनको बुलाया भी गया था, लेकिन बुलाए जाने के बाद प्रक्रिया रोक दी गई। ये लोग 2 बार कोर्ट भी गए हैं, कोर्ट से इनके पक्ष में ऑर्डर भी हुआ है, उसके बावजूद सरकार उस निर्णय को अनुपालन नहीं कर रही है। सरकार की तरफ से इन बच्चों के आगे भविष्य के प्रति उदासीनता है, इसको लेकर के ये बच्चे आंदोलनरत हैं और ये सब आज कानपुर में जिलाधिकारी से मिलने गए थे। जिलाधिकारी के न मिलने पर ये लोग उम्मीद की किरण के रूप में हमारे पास भी आए हैं और हमसे उम्मीद जगाई है कि हम लोग विधानसभा में इस प्रश्न को अपनी पार्टी की तरफ से उठाएँ। हमने भी इन बच्चों को विश्वास दिलाया है कि आपकी जायज मांग को हम लोग विधानसभा के पटल पर उठाने का काम करेंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे कि सरकार आपकी जायज मांगों को पूरा करे।